अब आपको भी हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए भिवंडी शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। द राइट वे इंस्टीट्यूट लाया है हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे असिस्टेंट नर्सिंग यानी GDA, GNM, ANM, MLT, DMLT, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, OT टेक्नीशियंस, डायलिसिस टेक्नीशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट जैसे 50 से ज्यादा कोर्सेज। अगर आप भी एक सक्सेसफुल सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से बात करें। वसई में कुछ युवकों ने फर्जी कंपनीज खोलकर सरकार के साथ ही करोड़ों रुपए का स्कैम किया। आरोपियों ने कई फर्जी कंपनीज ओपन की और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिपार्टमेंट को 100 करोड़ का कारोबार जाहिर किया और डिपार्टमेंट से करोड़ों रुपए ले लिए। इस मामले का खुलासा होते ही सभी को झटका लग गया और FIR भी दर्ज करवाई गई। भिवंडी शहर महानगर पालिका के पूर्व नगर सचिव पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है और बताया गया कि आरोपी पिछले कई सालों से एक ही नंबर प्लेट की दो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहा था, जिसके बाद आरोपी पर दफा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। भिवंडी ग्रामीण के खोनी, कटई और कांबा स्थित गोदामों में बड़े पैमाने पर खतरनाक केमिकल्स स्टोर किए जा रहे हैं और आसपास मौजूद रहवासियों की जान खतरे में डाली जा रही है। बताया गया कि कुछ दिनों पहले इन्हीं केमिकल्स को लेकर जा रही एक ट्रक में से कुछ कंटेनर सड़क पर गिर गए और लोगों की आंखों में जलन होने लगी। पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए केमिकल्स पर मिट्टी डाली और पानी डालकर लोगों को राहत पहुंचाई। आज से आशा वर्कर्स अपने कई मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले हैं, जिससे शहर व ग्रामीण के लोगों पर काफी भारी असर पड़ेगा। आशा वर्कर्स मुख्तलिफ सेवाएं जैसे अलग अलग इलाकों में जाकर बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाना और ग्रामीण में जाकर बच्चों और बड़ों का चेकअप करना जैसे काम करते हैं और हड़ताल की वजह से अब ये सारी सेवाएं बंद रहेंगी और सरकार को हेल्थ अपडेट भी नहीं मिल सकेगी। कल्याण में नवरात्रि के मौके पर ट्रैफिक जाम का मसला मजीद बढ़ने लगा था, जिसको देखते हुए वहां के MLA ने मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ एक अर्जेंट बैठक ली और फैसला किया गया कि सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक यहां हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी लगाई जाएगी। ये पाबंदी नवरात्रि को देखते हुए लगाई जा रही है और नवरात्रि खत्म होते ही पाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। आचरनी रोड में एक लोकल ट्रेन पैसेंजर बेहोश पाया गया और इस तरह शख्स को अनकॉन्शियस देखकर रेलवे स्टाफ ने एक्शन लिया और फौरन शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाया और रेलवे स्टाफ की इस सतर्कता से शख्स की जान बचाई जा सकी, जिसके बाद सभी ने रेलवे स्टाफ के इस काम को काफी सराहा। भिवंडी में मुख्तलिफ इलाकों में रोड पर होटल्स मौजूद होती हैं और इन होटल्स द्वारा रोड पर इलीगल कब्जा भी कर लिया जाता है, जिस वजह से ट्रैफिक का मसला और सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन सभी मसाइल को देखते हुए आज कॉरपोरेशन द्वारा मंजारपट्टी नाके पर कार्रवाई की गई और सभी इलीगल कब्जों को डिमोलिश किया गया। थाने जिले में पिछले 10 महीनों में 663 ड्रग रिलेटेड मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 771 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस चौंकाने वाली रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि थाने जिले में ड्रग की तस्करी में तेजी आने लगी है और बड़ी तादाद में युवक नशे का शिकार हो रहे हैं। आज की हमारी ये टॉप न्यूज आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, साथ ही अपनी राय भी दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।